हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास फोर्थ के कंप्यूटर ओलंपियाड के SOF ओलंपियाड से मॉडल पेपर 2022-23 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके हम सिलेबस जान लेते हैं। क्वेश्चन पेपर जो है जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 रहते हैं और टाइमिंग 1 आवर्स का दिया जाता है बच्चों को। अब क्वेश्चन का पैटर्न 3 सेक्शन में बटा रहता है, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर एंड IT एंड अचीवर सेक्शन। लॉजिकल रीजनिंग से 5 क्वेश्चंस रहते हैं, कंप्यूटर एंड IT से 25 क्वेश्चन एंड अचीवर सेक्शन से 5। मार्क्स एज पर क्वेश्चन 1 रहते हैं, कंप्यूटर एंड IT से 1 एंड अचीवर सेक्शन से 2 रहते हैं। अब सिलेबस देख लेते हैं। सेक्शन 1 रीजनिंग रहता है जिससे सिलेबस हो जाते हैं पैटर्न, अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग टेस्ट, मिरर इमेज, जियोमेट्रिकल शेप एंड सॉलिड, एम्बेडेड फिगर, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, डे एंड डेट एंड पॉसिबल कॉम्बिनेशन, एनालॉग एंड क्लासिफिकेशन। सेक्शन 2 अबाउट कंप्यूटर, जनरल इंफॉर्मेशन, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, फॉर्मेटिंग, वर्ड डॉक्यूमेंट, फॉन्ट्स ग्रुप, फॉर्मेट पॉइंटर, सर्च यूजिंग फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर, यूजिंग थ्रेशर, यूजिंग विंडो 10, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड इट्स यूजेस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, MS Paint, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ IT एंड सेक्शन 3 हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, सिलेबस एज पर एज सेक्शन 2। क्वेश्चन बेस्ड रहता है विंडो 10 एंड MS Office 16 पे बेस्ड रहते हैं इनके कंप्यूटर्स के क्वेश्चन पेपर। साथ ही आपको मैं ये भी बताऊंगी कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक के। ओलंपियाड के प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और जनरल CBSE बोर्ड के भी चैप्टर वाइज आपको कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप उसे एक बार अवश्य चेकआउट करें जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और साथ ही आपको ये भी बताना चाहूँगी क्लास फोर्थ के SOF ओलंपियाड से सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के आपको मॉडल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चाहे वो इंग्लिश हो, साइंस हो। ये आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी मैं आपको लिंक दे दूंगी और साथ ही आप हमारे चैनल पे से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉजिकल रीजनिंग देखते हैं। क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन देयर इन फिगर। तो इस फिगर में कोई भी सिमेट्री लाइन नहीं है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 0। टू, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ गिवन कॉम्बिनेशन। मिरर इमेज में हमेशा क्या होता है, कोई भी इमेज का पोर्शन जो होता है लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। साइड से ये वाले एरो इधर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपका हो जाता है एरो हो जाएगा, तो सबसे पहले लेफ्ट से राइट होगा तो एरो इधर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है वाई, आई हो जाएगा, एम जस्ट का तस ऐसे ही लिखा जाएगा आपका। फिर है आपका 4, सीधा ना होकर उल्टा ऐसे लिखाएगा। एंड जी इधर से हो रहा है तो इस तरह डायरेक्शन मूव हो जाएगा। एफ ऐसे हो जाएगा 3 एंड एस और डॉट, ये आपका मिरर इमेज हो जाता है। तो इस तरह के ऑप्शन देख लीजिए किस में है। तो इस तरह के ऑप्शन आपको जो है ऑप्शन बी में दिख रहे हैं, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, इफ यस्टरडे वाज ट्यूजडे देन व्हाट डे ऑफ वीक विल बी 8th डे फ्रॉम टुडे। यदि यस्टरडे ट्यूजडे था, कल ट्यूजडे था, तो नेक्स्ट व्हाट डे 8th में डे क्या होगा। चूंकि यस्टरडे ट्यूजडे था तो टुडे इज द वेडनेसडे, तो नेक्स्ट 7th डे इज द वेडनेसडे वीक के, तो 8th डे क्या हो जाएगा, थर्सडे। 8th डे फ्रॉम टुडे पूछा जा रहा है, तो 7th डे इज वेडनेसडे एंड 8th डे वेडनेसडे एंड थर्सडे, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा हो जाता है कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिससे डायरेक्ट टू डायरेक्ट जनरली इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड अचीवर सेक्शन से इसी सिलेबस से कंप्यूटर सिलेबस के लॉजिकल क्वेश्चंस, थिंकिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे बच्चों को कुछ सोचना पड़ता है, सोच कर फिर जवाब देना पड़ता है। जबकि इस तरह के क्वेश्चन जो है डायरेक्ट टू डायरेक्ट लर्न बेस पे भी हो जाते हैं।
कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्वेश्चन नंबर 4 इंटरनेट कैन बी यूज फॉर चेकिंग एग्जाम रिजल्ट्स अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस डाउनलोडिंग स्टडी मटेरियल ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ विंडो 10 मेक्स ऑल ओपन विंडो ट्रांसपेरेंट फॉर ए क्विक व्यू ऑफ डेस्कटॉप तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एरो पिक से हम विंडो 10 के ओपन विंडो के ट्रांसपेरेंट किसी भी डेस्कटॉप के क्विक व्यू को हम देख सकते हैं 6 डैश फीचर ऑफ एमएस वर्ड 16 अलाउ यू टू हाईलाइट द सेलेक्टेड टेक्स्ट इन ब्राइट कलर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए देख पा रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन टू डायरेक्ट बच्चे बुक से अगर रीडिंग उनकी अच्छी रहती है तो ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चा आराम से कर सकता है नेक्स्ट सेलेक्ट ऑड वन आउट ए बी सी एंड डी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सी इज द इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक एंड अदर थ्री ऑप्शन इज द आउटपुट डिवाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 इंटरनेट इज यूज्ड ऑडियो एंड वीडियो कॉलिंग अक्रॉस जियोग्राफिक अ पॉपुलर टूल सच एज इंटरनेट कॉल इज स्काइप करेक्ट आंसर इज ए एस इज स्काइप 9 अचीवर सेक्शन से क्वेश्चन हो जाते हैं जिसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फाइल मैनेजर एप्लीकेशन ऑफ विंडो 10 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेटवर्क इज शोन एज गिवन इमेज चलिए इसमें देख लेते हैं गिवन इमेज में जो है क्या होता है Which of the following types of network is shown as given image? ये आपका हॉस्पिटल स्कूल फैक्ट्री एंड कॉलेज ये तीनों लाइन है और ये बीच में स्पेस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो दिस इज द मेट्रोपॉलिटन करेक्ट आंसर इज एम ए एन मेट्रोपॉलिटन के ये एग्जाम्पल्स आपको बताए जा रहे हैं तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया हो आज के लिए इतना ही इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और आप क्या देखना चाहते हैं साथ ही ये भी आप सब्सक्राइब करके हमें अवश्य बताएं थैंक यू